छत्रपति साहू जी का देहांत कब हुआ? 1549, 1649, 1749, 1849। छत्रपति साहू जी का देहांत कब हुआ? 1549, 1649, 1749, 1849। 1749। वेरी गुड, राइट आंसर, पहला सही जवाब। संभाजी ने उसके परिवार को मुगलों ने कब गिरफ्तार किया या कब पकड़ा? संभाजी ने उसके परिवार को मुगलों ने कब पकड़ा? 1689, 1690, 1691, 1692। 1689, 1690, 1691 and 1692। 1690। ये गलत जवाब। 1689। खा, बंगाल का सूबेदार कब बना? मुर्शिद कुली खा बंगाल का सूबेदार कब बना? 1715, 1716, 1717, 1720। अवध का सूबेदार कब बना? शहादत खां अवध का सूबेदार कब बना? 1722, 1723, 1724, 1725। विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? न्यूजीलैंड, भारत, रूस, यूएसए। गलत जवाब, यूएसए। भास्कर, उसके लिए निम्न में से किस भारतीय राज्य में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी पंजाब, डी तमिलनाडु। निम्न में से किस भारतीय राज्य में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी पंजाब, डी तमिलनाडु। उत्तराखंड। गलत जवाब। प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? यहां से सुनो, कोयले से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं? तापीय ऊर्जा, कोयला ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैव ऊर्जा। तापीय ऊर्जा, कोयला ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैव ऊर्जा। तापीय ऊर्जा। वेरी गुड, राइट आंसर, तापीय। सबसे ज्यादा पवन फार्म वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे ज्यादा पवन फार्म, कौन से देश में सबसे ज्यादा पवन फार्म है जो चक्की से पवन चक्किया है? ए जापान, बी नीदरलैंड, सी फिलीपींस, डी न्यूजीलैंड। नीदरलैंड। राइट आंसर, नीदरलैंड। महासागर में अधिकतर समय बर्फ जमी रहती है। किस महासागर में अधिकतर समय बर्फ जमी रहती है? अंटार्कटिका, हिंद महासागर, दक्षिणी अंटार्कटिका या अंध महासागर? दक्षिण अंटार्कटिका। राइट आंसर। निम्न जवार कब उत्पन्न होते हैं? निम्न जवार जो महासागरीय पवनों से होते हैं वो कब उत्पन्न होते हैं? ध्यान से ऑप्शन सुनना। जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में हो, जब सूर्य और पृथ्वी समकोण पर हो, जब चंद्रमा और पृथ्वी समकोण पर हो या जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण पर हो।
जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीध में हो, जब सूर्य तथा पृथ्वी समकोण पर हो, जब चंद्रमा तथा पृथ्वी समकोण पर हो, या जब सूर्य या चंद्रमा समकोण पर हो। ये गलत जवाब। जब सूर्य और चंद्रमा समकोण पर होते हैं, सागरीय सतह का जल लगातार उठता और गिरता है तो इन्हें क्या कहते हैं? ए चक्रवाता, बी चक्रवात, सी सुनामी, या डी तरंगे। ये गलत जवाब, तरंगे। महासागरीय सतह, मैंने ये नहीं बोला कि चंद्रमा के प्रकाश से ऊपर उठता है, जो आपस में जब पवने चलती हैं उसको बोलते हैं लहरें। लहरों का उच्चतम बिंदु, यानी कि लहरें जब उठती हैं तो सबसे ऊंचा बिंदु है उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट, गत, आवर्त, प्रबलन। वेरी गुड, क्रस्ट इज द करेक्ट आंसर। जो प्रत्येक 76 साल बाद दिखाई देता है उसका क्या नाम है? एक कॉमेट। जो प्रत्येक 76 साल के बाद दिखाई देता है, ए सेरस, बी वेस्टा, सी जूनो, डी हेली। ए सेरस, बी वेस्टा, सी जूनो, डी हेली। हेली। वेरी गुड, राइट आंसर। हेली नामक कुछ होता है जो प्रत्येक 76 साल बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिमोस और फोबोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? टिमोस और फोबोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? ए पृथ्वी, बी मंगल, डी शनि, सॉरी सी शनि, डी बृहस्पति। ए पृथ्वी, बी मंगल, सी शनि, डी बृहस्पति। टिमोस और फोबोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? मंगल। राइट आंसर, मंगल। और इसमें जो टिमोस है वो सबसे छोटा उपग्रह है सौर मंडल का। मंगल के दो ही उपग्रह हैं, टिमोस और फोबोस, और टिमोस जो है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। किन आकाशीय पिंडों को हीन ग्रह या माइनर प्लैनेट कहा जाता है? किन आकाशीय पिंडों को हीन ग्रह या माइनर प्लैनेट कहा जाता है? ए धूमकेतु, बी शुक्र ग्रह, सी उल्कापिंड, या डी उपग्रह। किन आकाशीय पिंडों को हीन ग्रह कहा जाता है? उपग्रह। गलत जवाब। शुक्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षा में पाए जाते हैं, शुक्र ग्रह, उनको हीन ग्रह या माइनर प्लैनेट कहा जाता है। कितने निश्चित उपग्रह हैं? टोटल है वो नहीं, जो निश्चित, टोटल में से जो निश्चित है, बिल्कुल कंफर्म है वो बताने हैं। ए 53, बी 62, सी 63, डी 52। ए 53, बी 62, सी 63, डी 52। डी 52। ये गलत जवाब, 53 इज द राइट आंसर। भाषा के किस शब्द से लिया गया है? भक्ति शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से लिया गया है? ए भज, बी भग, सी भक्त, डी भाव। भाव। गलत जवाब, सही है भज। वीर सहवाद या वीर सहव आंदोलन किसने शुरू किया था? वीर सहवाद या वीर शिव आंदोलन किसने शुरू किया था? ए शिवदेव, बी जनेश्वर, सी विठल देव, या डी बसवन्ना। एडवर्टवाद के प्रणेता कौन है? किसने भारत में एडवर्टवाद को बढ़ावा दिया था या प्रचार प्रसार किया था? ए शुक्राचार्य,
बी भास्कराचार्य, सी शंकराचार्य या डी आचार्य रामदेव। अद्वैतवाद जिसमें भगवान को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। ए शुक्राचार्य, बी भास्कराचार्य, सी शंकराचार्य, डी आचार्य रामदेव। ये गलत जवाब। सही जवाब रहेगा सी शंकराचार्य। लास्ट क्वेश्चन से, सॉरी इसका लास्ट क्वेश्चन, नैनवार किस देवता की पूजा करते थे? जो नैनवार संत है वो किस देवता को मानते थे? ए विष्णु, बी नरसिंह, सी शिव, डी सूर्य। विष्णु, नरसिंह, सूर्य। गलत जवाब, विष्णु, शिव। कर्नाटक का पहला युद्ध कब शुरू हुआ? फ्रांसिसियो और अंग्रेजों के बीच कर्नाटक का पहला युद्ध कब शुरू हुआ? ए 1745, बी 1746, सी 1747 और डी 1748। गलत जवाब। और फ्रांसिसियो के बीच पेरिस की संधि कब हुई? ए 1761, 1763, 1765, 1767। ए 1761, 1763, 65 और 67। 1761। गलत जवाब। 1780 से 84। अब अंग्रेजों और मराठा के बीच तीसरा युद्ध कब हुआ? 1785 से 92, 1803 से 4, 1817 से 18 और 1821 से 22। 1785 से 92, 1803 से 4, 1817 से 18, 1821 से 22। लड़ाई में भारत में अंग्रेजी शासन की नींव डाली। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? राइट। कौन से यूरोपियन भारत में सबसे पहले आए? पुर्तगाली। राइट। मुर्शिद कुली खान के बाद बंगाल का शासक कौन बना? मुर्शिद कुली खान के बाद बंगाल का शासक कौन बना? नेक्स्ट। आसान द्वीप की खोज किसने की? नेक्स्ट। क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश का नाविक था? यूरोप। गलत। ब्रिटेन के राजकुमार को पुर्तगाल के राजा ने भेंट में क्या दिया? मुंबई। मुंबई के साथ हुई। भारत में न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च केंद्र किसे माना जाता है? नेक्स्ट। लॉर्ड वेल्सली ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कब से कब तक रहा? नेक्स्ट। सहायक संधि सर्वप्रथम किस राजा ने अपनाई? नेक्स्ट। लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल कब बना? गलत जवाब। अलवार संतों की संख्या कितनी थी? रिपीट। अलवार संत, जो नैनवार अलवार संत हुए हैं दक्षिणी भारत के, उनकी संख्या कितनी थी? चार। रविदास जी किसके उपासक थे? नेक्स्ट। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस राज्य से है? नेक्स्ट। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ? मुस्लिमों की मक्का तीर्थ यात्रा क्या कहलाती है? हज।
किसने की? नेक्स्ट अंकुर सर कितना टाइम हो गया? प्रशासन की नींव डाली। राइट आंसर पानीपत का तीसरा युद्ध, सॉरी ये हो गया था ब्रिटेन के बाद में न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च केंद्र। राज्य का वार्षिक प्रधान कौन होता है? राइट आंसर चीफ मिनिस्टर। किस महासागर की आकृति अंग्रेजी के अक्षर एस के समान है? एक निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली धाराएं। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस राज्य से था? लाल दलहौजी भारत का गवर्नर जनरल कब बना? क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश का नाविक था? चैतन्य ये हो गया। मुस्लिमों ना देश के चारों कोनों में मठों की स्थापना किसने की? राइट आंसर शंकराचार्य। राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? संवैधानिक प्रधान गवर्नर। राइट आंसर हो गए। भास्कर सेकंड फर्स्ट पोजीशन है पाकिस्तान, सेकंड पोजीशन भास्कर और फर्स्ट और सेकंड पोजीशन को डिप्टी सर अपनी तरफ से 100-100 रुपए इनाम देंगे।